वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। उत्तर भारत में बेशक ठंड आ चुकी है, पर यूपी में चुनाव की गर्मी से पारा हाई है। सियासी विसात बिछाए जा रहे हैं। कोई हैदराबादी जायका लेकर आया है तो कोई दिल्ली से आकर राजनीति चमकाने में लगा है। इस सियासी गर्मी में बीजेपी पर तमाम पार्टियां हमलावर हैं। बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है और कुछ नहीं। उनका ध्यान मजहबियों पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि ओवैसी भी भरे मन से कह चुके हैं कि अब मुस्लिमों की सरकार बनेगी। अखिलेश भी मन से कुछ ऐसे ही इशारे करते हैं। और इन सब के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर वो लोग सकते में आ जाएंगे जो ये कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है। जी हाँ, आप ये वीडियो देखिए। मुस्लिम महिलाएं हैं, बाकायदा बुरखा भी ओढ़ रखा है और ये सब बीजेपी में शामिल हो रही है। इनके कंधे पे आप देख ही रहे होंगे कि भगवा पट्टा साफ नजर आ रहा है और काफी दूर से चमक भी रहा है। और ये चमक कई नेताओं को, कई फिरका परस्त नेताओं को तकलीफ देने वाली है। इस वीडियो को शेयर किया है दिनेश चौधरी ने और लिखा कि कल भारी मात्रा में अल्पसंख्यक महिलाओं ने केराकत विधानसभा में थामा भाजपा का दामन, हैशटैग नई यूपी की उड़ान। और मैं चाहूंगा विशेष सम्मान किया जाए हलीमा बेगम का, देखिए जिन्होंने तमाम ये अल्पसंख्यक समुदाय की निगम को विराजमान हुई है। इन तस्वीरों को देखकर टोपी की राजनीति करने वाले और हाल ही में तिलकधारी पंडित बने नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ रही होगी। मुस्लिम महिलाओं का ये विश्वास इसलिए भी है कि केंद्र में आते ही मोदी सरकार ने 3 तलाक पर कानून ला दिया और बहुत सी महिलाओं को इस जंजीर से बाहर निकाला। सिर्फ बाहर ही नहीं निकाला, उन लोगों पर भी तुरंत एक्शन लिया गया जो इस नियम की या इस कानून की परवाह नहीं कर रहे थे और फिर भी 3 तलाक देने में लगे हुए थे। उन पर भी यूपी पुलिस ने शिकंजा कसा। यही वजह है कि इन महिलाओं का विश्वास बीजेपी के प्रति बढ़ा है और इन महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा जाता है, यानी कब किसको वोट देंगे किसी को मालूम नहीं होता और ये साइलेंट वोटर विपक्ष की नींद उड़ा सकती है। इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।